हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज मैं ये गर्ल के लिए बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक दो कलर की लेके आई हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये बैक वाला पार्ट बना दिया है मैंने, और फ्रंट पार्ट मैं आपको पूरा बना के बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे हम। बस बैक में हमने फंदे कटाए और ये बन गया। तो फ्रंट पार्ट में फंदे डालने से लेके ऊपर तक मैं पूरा मेजरमेंट बताऊंगी आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये, अब देखिए फ्रेंड, जहाँ से हमने फंदे कटाने स्टार्ट करे हैं वहां से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 15 इंच करी है मैंने। ये थोड़ा ये देखिए, इस तरह से इसकी लेंथ 15 इंच करी है। और 15 इंच के बाद हमने जहाँ से यहाँ से हमने फंदे घटाए हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको 2 इंच बनाया है। इस तरह से 15 सिलाइयाँ, और यहाँ से ऊपर देखिए, जहाँ से ये देखिए हमारा इस तरह से लेके आएंगे तो 6 इंच है। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे, किस तरह से हमें फंदे डालेंगे। डिजाइनर फंदे डाल रखे हैं मैंने इस पे, और इसके बाद आपको ये डिजाइन डालना भी बताऊंगी फिर। तो सबसे पहले हमें फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए, इस पे मैंने 132 फंदे डाले हैं टोटल, तो 120 मैंने ये डाल लिए हैं। और आगे डालना बताती हूँ। देखिए, एक फंदा हम इस साइड से डालेंगे और एक फंदा हम इस साइड से डालेंगे। 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। 132 फंदे ही मैंने इस पे डाले और 132 ही इसमें। अब देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, पहली सिलाई हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। इसमें हम पहला फंदा भी बनाएंगे इस तरह से, और इन 132 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे इस तरह से दोनों साइड से। और यहाँ पे दो धारियां हम टोटल उल्टी उल्टी बनाएंगे सीधी साइड पे, फिर इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। तो एक और ये दो धारियां हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। दो धारियां बनाने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, दो धारियां मैंने उल्टी उल्टी बना ली, एक और ये दो, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। अब हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन की पहली सिलाई हम बिल्कुल सीधी बनाएंगे और दूसरी सिलाई बिल्कुल उल्टी बनाएंगे। देखिए, पहली सिलाई है, इसको हम सीधा बनाएंगे सीधी साइड से, और उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी बनाएंगे, और फिर तीसरी सिलाई पे डिजाइन बनेगा। दो ही सिलाई का ये डिजाइन है, और दो ये सिलाइयाँ बिल्कुल प्लेन बनेंगी, एक सीधी एक उल्टी। तो ये दो सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर तीसरी सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये दो सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी, दो बना ली मैंने। अब हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे जाली वाला। तो ये 10-10 के मल्टीपल से ये डिजाइन बनेगा, और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो तभी मैंने 130 और 132 फंदे लिए हैं। तो देखिए, एक कैसे डिजाइन स्टार्ट करना है। पहला फंदा हम वैसे उतारेंगे, अब चार फंदे हम 2, 3, 4 इसी तरह से 5 फंदे हमारे इधर और 5 ही हमारे यहाँ लास्ट में बचने चाहिए। तो अब हम ये वाले फंदे इस वाली सिलाई पे ले लेते हैं, 3 और 4 फंदे। अब देखिए, पहले फंदे के ऊपर 3 फंदे उतारेंगे, 1, 2 और 3। 3 फंदे उतार दिए हमने इसके ऊपर, और इस वाले को यहाँ ले लेंगे। अब हम धागा आगे करेंगे और 6 फंदों पे जाली बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4
अब एक फंदा ये हमने इस पहले में काउंट होगा, एक दो तीन चार। अब देखिए चार ही हम यहाँ चार का एक बनाएंगे और चार का एक यहाँ बनाएंगे, तो ए वाला हम पहले इस साइड से बनाएंगे, एक तीन फंदे उतार देंगे, दो और ये तीन, तीन फंदे उतार दिए। अब इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, एक दो तीन चार, और ए वाले अब हम इस साइड से उतारेंगे इस तरह से। ए वाली सिलाई पे ले लिए और ये जो पहला फंदा है इसके ऊपर से तीन फंदे इस तरह से उतार दिए, ये देखिए। अब छह फंदे हमारे यहाँ घट गए, तो यहाँ पे हमारे छह फंदे बढ़ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छह, और ये हम एक फंदा यहाँ का काउंट करेंगे इसको लास्ट वाले को, एक दो तीन और ये चार। अब देखिए तीन फंदे इस पहले फंदे के ऊपर उतार देंगे इस तरह से, एक दो और ये तीन। अब चार फंदे फिर बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। अब इस वाली सिलाई पे ले लेंगे चार फंदों को और जो पहला फंदा है इसके ऊपर तीन फंदे उतार देंगे, एक दो तीन। अब फिर से धागा आगे करेंगे, बस यही हमने बार बार रिपीट करना है, और छह फंदों पे हम जाली बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छह। अब फिर से हमने यहाँ पे चार फंदों का एक बनाना, चार फंदों का एक, और लास्ट में हमारे फिर से पांच फंदे बचने चाहिए, तो लास्ट में फिर दिखाती हूँ, मैं पूरा डिजाइन बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ लास्ट में। अब देखिए फ्रेंड लास्ट में पहुँच गए हम, तो फिर से हम छह जालियाँ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच फंदे हमारे बच गए, तो एक दो तीन और ये चार। अब इस साइड से हम इन फंदों को इस तरह से उतार देंगे और ये हमारे फंदे घट गए, और लास्ट का फंदा हम वैसे ही सीधा बना देंगे। अब उल्टी साइड देखिए किस तरह से बनाएंगे, उल्टी साइड हम सीधी साइड को बनाएंगे, देखिए इस तरह से उल्टा, एक दो, इस तरह से सभी फंदों को लास्ट तक उल्टा बना देंगे। इसके बाद दो सिलाइयाँ फिर हम सीधी उल्टी बनाएंगे और फिर एक बार ए डिजाइन डालेंगे, तो दो दो मैंने दो दो बार ए डिजाइन डाला है, दो बार रेड का दो बार वाइट का, तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अगली दो सिलाइयाँ फिर सीधी बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी। अब देखिए फ्रेंड अब दो सिलाइयाँ, ए सिलाई हमने उल्टी बना ली सीधी साइड को, अब इसके बाद ए वाली सिलाई पूरी सीधी बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करा था, एक सीधी उल्टी फिर डिजाइन बनाया, वैसे ही दो सिलाइयाँ हम यहाँ भी बना देंगे और फिर एक बार यही डिजाइन दोबारा बनाएंगे, वो मैं आगे बताती हूँ आपको किस तरह से हम दोबारा बनाएंगे। तो एक सीधी उल्टी बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड दो सिलाई लगाने के बाद, ये देखिए दो सिलाइयाँ लगा ली मैंने, अब हम फिर से वैसे ही बनाएंगे, पहला फंदा उतारा और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जो हमारी नीचे तीसरी सिलाई है वैसे ही ए वाली सिलाई भी बनाएंगे, ए वाले फंदे इस वाली सिलाई पे और पहले फंदे पे तीन फंदे उतार देंगे, दो तीन। अब धागा आगे करेंगे और छह जालियाँ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, पहला फंदा काउंट करेंगे, दो तीन चार। अब इस पहले फंदे पे हम तीन फंदे उतारेंगे, दो और तीन, और फिर चार फंदे, एक दो
तीन, चार। अब यहाँ पे हमारे छह फंदे घटे, तो आगे हम छह जालियाँ बना के उनको बढ़ा देंगे। ये देखिए, अब फिर से धागा आगे करेंगे और छह फंदों पे जाली बनाएंगे और पूरा डिजाइन हम वैसे ही बना देंगे। और फिर आगे दिखाऊंगी मैं आपको। उल्टी साइड से फिर से हमने सीधी साइड को पूरी सिलाई उल्टी बना देनी है और फिर हम वाइट कलर लगाएंगे आगे, वो दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, सीधी साइड को हम ये सिलाई उल्टी बना देंगे, अब अगली सिलाई जो है, और इसके बाद फिर हम वाइट कलर से दो सिलाइयाँ सीधी उल्टी लगाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई हम बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, दो डिजाइन हमारे इस वाले कलर के बन गए। अब हम दो सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी, वाइट वाले कलर से बनाएंगे। अब जैसे ही सेम डिजाइन, दो सिलाइयाँ ये प्लेन और दो पे हमारे डिजाइन बनेगा। तो इस तरह से ये आप बनाते जाइए, दो सिलाइयाँ सीधी उल्टी। अब देखिए फ्रेंड, ये सीधी सिलाई एक उल्टी, फिर उसी तरह से हमने चार चार डिजाइन बनाते जाना है, चार चार सिलाइयों वाले। तो ये देखिए, दो बार मैंने एक दो वाइट, एक दो, इस तरह से बनाते बनाते एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बार ये डिजाइन बनाया और एक दो तीन चार, चार चार धारियों का ए बनाया। और यहाँ तक आप बना लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बनाना बताऊंगी आपको। तो ये मैं 3 से 5 साल की लड़की का बना रही हूँ। अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप 110 फंदे डाल लीजिए, एक साल या दो साल के बच्चे का। तो 110 फंदे डाल के फिर हम इसका आधा करेंगे ऊपर और नीचे के बॉर्डर में 110 फंदे डिजाइन के और दो फंदे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से बना लीजिए। अगर बड़े का डालना है तो 142 फंदे डाल लीजिए। तो इस तरह से आप इसको बनाते जाइए और ऊपर का पार्ट फिर सेम ही बनेगा, यहाँ तक कि हमारा ये डिजाइन इस तरह से बनेगा जो नीचे वाला है। तो यहाँ तक आप बना लीजिए इसी तरह से, आठ डिजाइने हर, एक दो तीन चार, चार चार धारियाँ इसकी। इसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट हमारा इतना ही बनेगा, इसके बाद फिर मुंडे की गटाई, फ्रॉक का घेरा और गले की पट्टी सब इस सेकंड वाले पार्ट में बताऊंगी मैं आपको। तो आप ये बना लीजिए, और इससे बड़ा बनाना है तो लेंथ इसकी, यहाँ मैंने आठ डिजाइन दिए तो आप 10 डिजाइन दे दीजिए इसमें। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। अब फ्रेंड देखिए, आज हम इस फ्रॉक का सेकंड पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने फंदे कितने डाले और ये वाला डिजाइन बनाना बताया है, और सेकंड पार्ट में हम फ्रॉक की घटाई करेंगे। देखिए इस तरह से हम फ्रॉक की घटाई करेंगे, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, एक दो तीन चार, आठ डिजाइने और चार एक। अब यहाँ से हम फ्रॉक की घटाई करेंगे, 132 फंदे हैं हमारे पास टोटल, और अब हम यहाँ पे 70 फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे सीधी सिलाई पे, दो का एक, फिर से दो का एक, और बीच बीच में इस तरह से सिंगल भी बना देंगे और काउंट करते रहेंगे जब तक हमारे पास 70 फंदे ना बच जाएं, जब तक हम इसी तरह से दो का एक करते जाएंगे। देखिए बहुत ईजी है, देखिए हमने सिंगल बना लिया, फिर दो का एक कर दिया, लास्ट तक हम इसी तरह से दो का एक कर देंगे और टोटल हमारे पास फ्रेंड 70 फंदे, 70 फंदे बचने चाहिए। और 70 फंदों से हम ना कम भी नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा भी नहीं, 70, 72 इतने फंदे हमारे पास यहाँ पे बचने ही चाहिए। तो इस तरह से हम दो का एक करते जाएंगे और लास्ट तक मैं ये कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास से 72 फंदे बचे हैं। तो अब हम इन 72 फंदों को 15 सिलाइयाँ इसी तरह से सीधी उल्टी बना देंगे, मतलब 2.5 इंच तक बना देंगे इसी तरह से, एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। उसके बाद फिर हम मुंडे की
घटाई करेंगे। देखिए बैक पार्ट पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इतना हमें, ये मेरी 15 सिलाइयाँ हैं तो यहाँ तक मैं इतना ही प्लेन ही बनाऊंगी इन 72 फंदों को। इसके बाद फिर हम मुंडे की घटाई करेंगे, तो मैं इतना बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये हमारी 15 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम 3 2 1 की घटाई करेंगे, फिर 3 2 1 की इस साइड से करेंगे। तो देखिए किस तरह पहला फंदा उतारा, 1 2 3, फिर पूरी सिलाई हम आगे तक इसी तरह से बना देंगे। फिर उस साइड भी हम 3 फंदे घटाएंगे मुंडे के, तो मैं आगे तक बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड इस पे भी हम वैसे करेंगे, पहला फंदा ही उतारा, 1 घट गया, 2 और 1 3, अब पूरी सिलाई उल्टी आगे तक बना लेंगे। फिर अब उस साइड हम सीधी सिलाई पे 2 फंदे घटाएंगे। उसके बाद फिर हमें गले के बटन पट्टी के लिए अलग करेंगे फंदे, और गले की शेप के लिए अलग करेंगे। तो मैं पूरी बना लेती हूँ आगे तक, फिर सीधी सिलाई पे 2 फंदे हम बंद करेंगे। अब देखिए फ्रेंड ये लास्ट वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे, उसको ऐसे उतारेंगे और इस साइड को पलट देंगे। अब फिर हम 2 फंदे यहाँ से घटाएंगे, देखिए 1 और 2। अब पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा नहीं बनाएंगे, उसको वैसे ही उतारेंगे। और उसके बाद फिर हम सीधी सिलाई पे फंदे डिवाइड करना बताती हूँ मैं किस तरह से डिवाइड करेंगे। 2 फंदे यहाँ भी घटाएंगे हम, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड अब लास्ट का हम 1 फंदा यहाँ से घटा देंगे और ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 3 2 1 की घटाई। अब यहाँ भी हम 3 2 1 की करेंगे, 3 2 घटा दिए, 1 बाद में घटाएंगे। अब यहाँ से हम फंदे डिवाइड करेंगे, तो 8 फंदे हम यहाँ पे बटन पट्टी के लिए रखेंगे और साइड में फिर गले के लिए, तो ये मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड हम गले की यहाँ पे घटाई करेंगे, तो पहले 1 पार्ट बनाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 26 26 और 9 फंदे हम यहाँ पे बीच में बटन पट्टी के लिए रखेंगे। और इसका हिसाब बताती हूँ मैं फ्रेंड आपको किस तरह से हमने इसमें फंदे डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने फंदे हमने बटन पट्टी के लिए रखने हैं वो हम यहाँ से अलग कर देंगे, चाहे 7 चाहे 9 चाहे 11। तो मैंने यहाँ पे 9 फंदे रखे हैं, और उसके बाद जो भी हमारे फंदे बचे उसका हमने आधा कर देना है। तो अब देखिए 26 फंदे हमने इस साइड कर लिए, 26 हमने इस साइड करेंगे, यहाँ 27 फंदे करेंगे, एक हम यहाँ पे अभी घटाएंगे अगली सिलाई पे जब इस वाला साइड बनाएंगे ये वाली, और बीच के 9 फंदे वो हम इस वाले पार्ट में बनाएंगे। और ये जो 9 फंदे हैं देखिए 26 फंदे ये हैं, 26 इस साइड और बीच के 9 फंदों को हम धागा आगे करके उल्टा बनाएंगे अब, क्योंकि वो हमारी बटन पट्टी बनेगी। तो देखिए किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 4 6 8 10 18 20 22 25 26 26, 1 फंदा हमारा ये एक्स्ट्रा है। इसके बाद हमने ये 26 फंदे रखने हैं, देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने एक अभी यहाँ पे मुंडे की इसकी 3 2 की घटाई करी है और एक हमारा बच गया है, तो ये हम ऐसे साइड में रखेंगे और इस तरह गिनेंगे 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 और 26, और 26 ही इस साइड, और बीच के 9 फंदे हमने इस तरह से उल्टे बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हम 2 धारियाँ बना लेंगे पहले, फिर हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ इन्हीं फंदों को बनाते जाना है।
और ये मैं चार सिलाइयाँ बना लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बटन होल बनाना बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, ये 26 फंदे मैंने बना लिए और एक दो तीन धारियाँ ये बना ली। अब यहाँ पे बटन होल बनाएंगे हम। तो देखिए, चार फंदे पहले इस तरह से बनाएंगे, एक दो तीन और एक चार। अब इस तरह से जाली बनाएंगे इसके ऊपर और दो फंदे का एक बना देंगे। ये हमारा यहाँ पे बटन होल बन गया। अब उल्टी सिलाई से देखिए, इसको पहले को ऐसे उतारा, तीन धारियाँ बनाने के बाद बनाना है हमने बटन होल। अब देखिए, जाली वाला फंदा इसको हमने इस तरह से बना देना है और पूरी सिलाई लास्ट तक उल्टी बना देनी है इस तरह से। अभी थोड़ा और बनाएंगे हम, फिर एक बटन होल और बनाएंगे ऊपर, चार धारियाँ और बना लेते हैं, चार पांच। और उसके बाद फिर मैं गले की कटाई करना बताऊंगी आपको। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ धारियाँ हो गई, एक बटन होल की और आठ ऐसे। तो अब हम उल्टी साइड से पिन पे ले लेंगे जो हमारे बटन होल वाले ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं, और उसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से लेंगे, पहले हम इस साइड को करेंगे और ये हम देखिए पहला फंदा, ये जो हमारे नौ फंदे हैं इनको इसी तरह से हम इस वाले पिन पे उतार देंगे। तो आप सिलाई से भी बना सकते हो इसको, पहले मैं पिन से ही बना रही हूँ। तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, और इनको अब हम इस पिन पे बंद कर देंगे। जब हम ऊपर वाला गला बनाएंगे तब हम इन फंदों को खोलेंगे और उस तरह से गला बना देंगे, और आगे वाले फंदों को अब हम एक फंदा बनाया इस तरह से, फिर अगले वाला बनाया और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया, फिर अगला बनाया इस तरह से, दो दो फंदे हम घटाते जाएंगे। वो घटा ली हमने, फिर अब मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर अगली उल्टी सिलाई पे बताती हूँ। सीधी हमने बिल्कुल वैसे ही बना देनी है, सीधी पे हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। अब सीधी सिलाई पे देखिए फ्रेंड, ये लास्ट वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ से हम फंदे कटाएंगे तो इस तरह से फिर से दो फंदे कटा देंगे, एक और दो। अब पूरी सिलाई फिर से उल्टी और सीधी साइड से सीधी, और सीधी सिलाई पे हम लास्ट वाला फंदा नहीं बनाएंगे, फिर से हम इस तरह से दो फंदे घटाएंगे। तीन बार हम दो दो का बनाएंगे और फिर एक एक। अब फिर से देखिए, लास्ट वाला फंदा हमने नहीं बनाया है, एक अरे दो। इसके बाद हम एक एक करके फंदा घटाएंगे जब तक हमारे पास 18 फंदे ना बच जाएं, जब तक हम इसी तरह से घटाते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास 20 ही फंदे बचे हैं, इसके बाद हम 19 फंदे बचेंगे, एक हम अब घटा देंगे। अब 19 फंदे बचे, अगली सिलाई पे हम एक फंदा फिर घटाएंगे। उसके बाद हम वैसे ही ऊपर तक, जब तक हमारी लेंथ कम्प्लीट नहीं हो जाती, जब तक हम इसी तरह से फिर इन 18 फंदों को बनाते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको लेंथ बताती हूँ कितनी रखनी है हमने इसकी। पूरी सिलाई हम इस तरह से उल्टी बना देंगे पहले, मैं जो हमारा बैक पार्ट है उसके साथ इसको मिला के देखेंगे कितनी लेंथ है उसकी। जितनी लेंथ हमारी बैक पार्ट की बना रखी है उतनी ही बनानी है हमने इसकी। ये देखिए, अभी जो हमारा बैक पार्ट है इसकी लेंथ और इसकी, इस तरह से नाप के देखेंगे।
देखिए ये मुंडे की कटाई और ये भी मुंडे की कटाई। तो देखिए यहाँ से लेके अभी इतनी और बननी है, तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मुंडे जोड़ना बताती हूँ और इसकी लेंथ भी बता देती हूँ मैं। देखिए नाप के यहाँ रखेंगे हम इंची टेप और इस तरह से देखिए 7 इंच तक इसकी लेंथ है, तो ये मैं बना लेती हूँ 7 इंच फिर देखिए। अब देखिए फ्रेंड इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है, तो ये देखिए इस तरह से इतना बन के आया है इसके बाद। अब देखिए ये हमारे बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और बैक पार्ट इस तरह से सीधा रखेंगे और इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और ये फंदे दोनों साइड से बंद करेंगे। ये देखिए दोनों सीधी साइड अंदर की साइड आ गई। अब देखिए किस तरह से हमें 18-18 फंदे दोनों के बंद करेंगे। तो देखिए एक फंदा हम इस साइड का लेंगे, एक इस साइड का, दो का एक बना दिया इस तरह से, फिर अगले दो का एक बना दिया और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। दोनों साइड हमारी बाहर की साइड उल्टी साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से जितने हमारे फ्रंट पार्ट के 18 फंदे हैं उतने ही हम बैक पार्ट के भी 18 फंदे लेंगे और इनको इसी तरह से बंद कर देंगे। ये हमारी मुंडे जुड़ गए यहाँ से, तो मैं ये बंद कर लेती हूँ 18। फिर दूसरा पार्ट बना के दिखाती हूँ किस तरह से हमने दूसरा पार्ट बनाना है। अब ये देखिए फ्रेंड ये हमारे यहाँ पे मुंडे जुड़ गए हैं, ये उल्टी साइड दोनों की। अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, जिस तरह से हमने 9 धरियां इस वाले की बनाई वैसे ही हम यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इन फंदों को हम सीधा बनाते हुए दूसरे कोने तक जाएंगे, वहाँ पे पहले एक फंदा इसका घटाएंगे हम मुंडे का, जो 3-2-1 की घटाई कर रहे हैं वो घटाएंगे सबसे पहले। तो पहले मैं पूरी सिलाई इसी तरह से आगे तक बना लेती हूँ सीधी और उल्टी साइड पे दिखाती हूँ। फिर अब देखिए फ्रेंड ये हमारे 26 फंदे मैंने उल्टे उल्टे यहाँ तक बना लिए। अब इसके बाद 9 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे फिर बनाएंगे, जो हमारी बटन पट्टी है यहीं से आगे हम ये देखिए 9 फंदे उल्टे उल्टे उठाएंगे। एक ही सिलाई से उठाएंगे, अलग अलग नहीं उठाएंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, ये देखिए 9। इसके पीछे ही वैसे ही सेम हमारे बन के आ जाएंगे और इसके बाद इन 9 फंदों को हम वैसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे जो हमारी बटन पट्टी है वैसे ही। तो वो देखिए पहला फंदा ऐसे उतारा, धागा आगे करा और इनको उल्टा बना दिया, 1-2-3-4-5-6-7-8-9। अब धागा पीछे करा, इन फंदों को हमने सीधा उठा दिया, सीधा बनाएंगे। अब वैसे ही 9 धारियां हम बना देंगे, इसमें हमने बटन होल नहीं बनाना है, बस इसी तरह से सेम यही बटन पट्टी हमने यहाँ भी बना देनी है और ऊपर से ही 9 फंदे फिर इस तरह से बंद कर देंगे और वैसे ही 2-2 की घटाई यहाँ पे करनी है और फिर इस साइड के मुंडे जोड़ना बताती हूँ मैं। सेम ही बनेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने बटन होल बनाया, यहाँ हम
कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सीधी सिलाई पे इसको उल्टा उल्टा बना देंगे और उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी बनेंगी। तो इस तरह से बना लीजिए, मुश्किल नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल आसान है। अब ये मैंने बता दिया, ये जो हमारे ये देखिए 9 फंदे हैं ये उल्टे बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उल्टी सिलाई पूरी उल्टी और सीधी सिलाई पे 9 फंदे उल्टे, और इस तरह से हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। और फिर आगे मैं आपको ऊपर फिर मुंडे बता ये जोड़ना बताती हूँ इसके भी। ये बना लीजिए आप, वैसे ही कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, इस साइड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए दोनों साइड इस तरह से पिन पे ले लिए हैं, और ये देखिए सीधी साइड दोनों के अंदर की साइड करी है उल्टी बाहर की साइड। और अब फिर से हम वैसे ही एक फंदा इधर से एक इधर से लेते हुए मुंडे जोड़ देंगे, 2 का 1, फिर अगले वाला 2 का 1, और पिछले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर अगले वाला, फिर ये वाला इसके ऊपर से। इस तरह से हमें लास्ट तक बंद कर देंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको एक गला बनाना बताती हूँ, इस तरह से हम इसका गला बनाएंगे। तो ये देखिए बंद होना स्टार्ट हो गया, मुंडे हमारे जुड़ गए हैं दोनों साइड से, तो मैं बंद कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, एक गला बनाएंगे हम। तो सबसे पहले जो हमारे पिन पे फंदे हैं इनको हम सिलाई पे ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए वाले फंदे हम इस वाली सिलाई पे उतारेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बना देंगे 9 फंदों को, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब फ्रेंड 15 फंदे हम आगे उठाएंगे, 15 इस साइड से और 15 ही दूसरी साइड से। अब धागा पीछे करेंगे हम, देखिए इस तरह से एक एक लूप में से इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और लास्ट का यहाँ सेंटर में से उठाएंगे एक लाइन के ऊपर से इस तरह से। अब देखिए धागा हम ये वाला धागा पहले ये वाला फंदा बना लेते हैं इस तरह से, धागा ये पीछे करेंगे और जो बैक पार्ट के हमारे फंदे हैं उनको भी हम बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24। अब फिर से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे 15 ही। तो ये मैं उठा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने दूसरी साइड उठाया है वैसे ही उठाएंगे यहाँ से भी। दो, तीन, चार, पांच, ये मैं उठा लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे मैंने उठा लिए। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर अगली सिलाई पे यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो पहले पूरी सिलाई मैं इस तरह से बना लेती हूँ और यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, जो हमारी बटन होल वाली जगह है। तो मैं आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले बनाया था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 4 फंदे बनाएंगे, 2 3 4, फिर जाली बनाई 2 का 1 बनाया और अगले फंदों को फिर वैसे ही उल्टा उल्टा बना लिया। यहाँ पे आपकी मर्जी है, 4 धारियाँ बनानी है, 6 धारियाँ बनानी है गले की। तो मैं बाद में बताती हूँ आपको मैंने कितनी बनाई है और फिर मैं बंद करना भी बताऊँगी आपको गले का, किस तरह से हमने इसको ऊपर से बंद करना है, किस साइड से। तो इस तरह से बना लीजिए, देखिए अब देखिए फ्रेंड, ये 4 धारियाँ बना ली मैंने, ये देखिए 1 2 3 4। अब जो उल्टी साइड है हमारी अंदर की साइड, वहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, एक फंदा बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। ये थोड़ा हमने ना ज़्यादा टाइट बंद करना है ना ज़्यादा लूज, इस तरह से लास्ट तक 72 फंदे हैं हमारे टोटल है। तो सभी फंदों को इसी तरह से बंद कर देंगे। एक बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया, देखिए। और फिर इसके बाद हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाना बताती हूँ मैं आपको किस तरह से हम इसकी बाजू बनाएंगे। पहले ये पूरा बंद कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ गले का, ये देखिए। अब ये देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक किस तरह से बन के आया है हमारा गला, देखिए। और यहाँ पे हम 2 बटन लगाएंगे और 1 बटन होल हमारा ये और एक ही। तो यहाँ पे हम ऊन से ही 2 वाइट बटन लगाएंगे, देखिए। इसके बाद फिर मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी, जब तक के देखिए इस तरह से जितने हमारे मुंडे की कटाई है उतना ही हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है और ये देखिए ऊपर तक हमने इसको बना लिया है मैंने। तो दूसरी बाजू की कटाई करना मैं आपको बताऊंगी। तो इसको मैंने यहाँ पे 42 फंदों से स्टार्ट करा है और वैसे ही डिजाइन डालते हुए ये देखिए हर चौथी सिलाई पे यहाँ तक मैंने 60 फंदे कंप्लीट कर लिए अपने, और 60 के बाद यहाँ तक 70 फंदे। इसका एक मेजरमेंट बताती हूँ मैं, जितने फंदे हमारे पल्ले में होते हैं नीचे स्वेटर के, उतने ही हमने गले में रखने होते हैं, उतने ही मुंडे की कटाई पे। तो 70 फंदे हमारे इसमें इस फ्रॉक की कमर में है, तो 70 ही हमने इसके यहाँ पे रखे पूरी बाजू में और 70 इसके गले में। तो अब देखिए मैं इसको आपको बताती हूँ किस तरह से हमने ये कटाई करनी है इसकी। तो ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है एक साइड, और दूसरी साइड है देखिए यहाँ तक बना ली है। यहाँ से हम अब आपको मुंडे की कटाई करना बताऊँगी मैं आपको। तो 3 बार हमने 3 3 3 का कटाना है, 3 3 3 का, और फिर उसके बाद हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, 1 पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया, 1 बनाया, 2 फंदे कट के, 3,
और अगले सभी फंदों को लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। और उधर भी फिर तीन तीन की ही गटाई करते जाएंगे हम। तो एक बार फिर मैं उस साइड बताती हूँ आपको किस तरह से हमने वहाँ पे गटाई करनी है। अब इस साइड भी देखिए फ्रेंड, इस साइड भी हम तीन फंदे का तीन तीन की कटाई करेंगे। तो ये हम तीन तीन बार करेंगे, एक एक बार हो गया दोनों साइड से, और ये तीन तीन बार कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, मैंने दो दो का ही डिजाइन दिया है, एक एक दो, एक ए, एक ए दो, और दो ही इसके। ये आपकी मर्जी, अगर पूरी आपने इस तरह से बनानी है तो आप ये बना सकते हो। बस सेम वही डिजाइन हमने इसको बनाते जाना है, और कुछ भी नहीं करना है। डिजाइन डालना मैंने बताया हुआ है किस तरह से बनाएंगे हम। अब ये देखिए फ्रेंड, पांच पांच बार मैंने ये देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच बार तीन का तीन तीन फंदे घटाए हैं, और पांच बार ही हमने यहाँ पे घटाए हैं। अब हमारे पास ये 40 फंदे बच गए हैं। अब हम इन फंदों को यहाँ से बंद कर देंगे सभी को। तो देखिए किस तरह से बंद करेंगे, एक तीन चार पांच छः, इस तरह से लास्ट तक हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको सिल के बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, सिलेंगे हम इसको। तो यहाँ से ऊपर देखिए हमारी लेंथ इसकी पूरे 8 अंगुल है, इनकी 6 इंच है, यहाँ से ऊपर 6 इंच, और 6 इंच के ऊपर फिर हमने ये तीन तीन करके फंदे कटाए हैं, वो अलग है। सिर्फ जहाँ तक हमारी मुंडे की कटाई हुई वहाँ तक ये 6 इंच है, और यहाँ से नीचे चार चार का डिजाइन है। अब हम उल्टी साइड से सिलना इसको स्टार्ट करेंगे बाजू को। अब देखिए उल्टी साइड हम बाहर की साइड करेंगे, सीधी अंदर की साइड, और यहाँ से सिलना पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दो तीन बार अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए तीन बार मैंने अच्छे से टांके लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर देखिए, अब हमने किस तरह से सिलना है। एकदम इस तरह से, फिर अगला हम इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ को निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तरह से हमें ऊपर तक सिल देंगे। ये डबल सिलाई होती है हमारी, और बिल्कुल भी यहाँ से ये खराब नहीं होती। जितना हम इसको सिलेंगे, देखिए इस तरह से भी आप इसको सिल सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक यहाँ से, और अब वाइट वाला सिलेंगे। ये देखिए वाइट वाला यहाँ तक सिल दिया, अब दूसरे वाला यहाँ से, और अगले वाले को यहाँ पे निकालें। फिर से ये बच गया, तो यहाँ से डालेंगे और रेड वाले के पास निकालेंगे, फिर ए वाला सिलेंगे, और इस तरह से हमें ऊपर तक सिल लेंगे, और दूसरी बाजू भी हम सेम इसी तरह से सिलेंगे। बहुत ईजी है ये, जो हमारा ये वाला फंदा है इसके साथ में हमने इस तरह से सुई डालनी है, और अगले वाले पे निकाल देनी है, पीछे वाले पे यहाँ पे डालनी, और यहाँ से आगे वाले पे निकाल देनी। देखिए यहाँ पीछे वाले पे डाली, आगे वाले पे हम इस तरह से निकाल देंगे, और दोनों बाजुएं सिल देंगे अपनी। और इसके बाद फिर मैं आपको फ्रॉक का घेरा सिलना बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमारी ये सिल के आ गई है, और इसके बाद हम
इसके पल्ले सिलना बताती हूँ मैं किस तरह से सिलेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, फ्रॉक के पल्ले सिलेंगे तो देखिए सीधी साइड दोनों के अंदर की साइड है और उल्टी बाहर की साइड है, और इसी तरह से हमें जिस तरह से बाजू सिली वैसे ही ए वाला सिलेंगे। देखिए इस तरह से दो बार यहाँ पे अच्छे से जॉइंट कर देंगे और फिर वैसे ही ये देखिए यहाँ पे सुई डालेंगे, पीछे की साइड निकालेंगे, फिर एक आगे की साइड, फिर देखिए बैक साइड पे इस तरह से सुई डालेंगे, फिर जो धागा है उससे आगे वाले पे इस तरह से निकालेंगे। अब ये धागा है हमारा तो इसके यहाँ पे सुई डालेंगे, धागे के अगले वाले पल्ले पे निकालेंगे। बस इसी तरह से हमें ऊपर तक सिल देंगे। तो मैं ये सिल लेती हूँ, दोनों पल्ले दोनों साइड से सेम ही सिले जाएंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको इसका ऊपर वाला बाजू जोड़ना बताती हूँ। इस तरह से फिर हम बाजू जोड़ेंगे और इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये सिल लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड, बाजू सिलेंगे तो ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है, तो इस तरह से सीधे वाली बाजू अंदर डाल देंगे इसके यहाँ पे, और जो दो धागे हमने इस वाली सिलाई से बचे हुए हैं और बाजू के बचे हुए हैं उन दोनों को यहाँ पे हमने गांठ लगा देनी है ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमने इसको ज्वाइंट करना है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों साइड सीधी आ गई अंदर की साइड, तो उसी तरह से हम इसको भी सिलेंगे जैसे हमने ये फ्रॉक का घेरा सिला और बाजू सिले। तो ये मैं सिलना बताती हूँ आपको, यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे हम इसको। अब ए वाला धागा इसी के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे, देखिए। और फिर से हमने वैसे ही सिलना है, देखिए। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर रखा है। तो अब हम एक पहले लूप यहाँ से निकालेंगे और इसको बैक साइड को निकाल देंगे। अब इसी तरह से हमें ये देखिए ऊपर को धागे से एक साइड नीचे को सुई डालनी है, धागे के एक साइड ऊपर को निकाल देनी है, धागे के नीचे सुई डालनी है और एक साइड ऊपर को निकाल देनी है। इसी तरह से हमने इसको मिलाते जाना है और सिलते जाना है। नीचे सुई डाली और धागे के ऊपर सुई निकाल दी इस तरह से, और पूरे राउंड में हम इसी तरह से मिलाते हुए इसको सिलते जाएंगे, और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक, ये देखिए इस तरह से बाजू बन के आई है दोनों साइड से। और ये बटन भी मैंने इसके क्रोशिये के बनाए हुए हैं, और ये डोरी भी बनाई हुई है क्रोशिये से ही। तो इस तरह से मैंने इसको फुल मेजरमेंट बताया हुआ है इसका स्टेप बाय स्टेप, और फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।